नमस्कार, विलेज मीडिया सेंटर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि का चैनल। अभी हम आपको मशरूम की खेती के बारे में थोड़ा एक किसान का आप साक्षात्कार आपको दिखाएंगे कि किस तरह से घर में झोपड़ी में मशरूम का उत्पादन किया जा सकता है और काफ़ी फ़ायदेमंद है, काफ़ी इससे फ़ायदा है। और हम किसान से ही सुनेंगे कि इसमें लागत खर्च कितना आया, कितने दिन में तैयार होगा और कितना आमदनी होगा। और हमारे साथ हैं रामपाल गुप्ता जी, जो सूजा के किसान हैं, काफ़ी प्रगतिशील किसान हैं, जैविक खेती भी करते हैं। आप बताइए रामपाल जी, खेती तो आप सब करते हैं जी, जी। और ये मशरूम क्यों आपने उत्पादन शुरू किया? जी, थोड़ा आमदनी के बारे में सोचे, खाने के लिए भी सोचे, भाई बंधु को खिलाने के लिए भी सोचे, इसीलिए जो है किए। तो अभी मशरूम का जो बीज आपने प्रशिक्षण लिया होगा, कहाँ से लिया प्रशिक्षण? जी जी, वही आत्मा में, आत्मा में प्रशिक्षण लिया जी। तो एक मशरूम, एक किलो मशरूम में का जो बीज होता है स्पॉन, वो कितना बैग तैयार हो जाता है उससे? जी, 10 बैग इसमें तैयार होता है, 10 केजी भूसा लगता है। 10 केजी भूसा लगता है। तो आपने लगभग कितना बैग तैयार किया है यहाँ पे? 25 बैग अभी तैयार किए हैं, लगाए हैं। तो स्पॉन का क्या, कितना खर्च आया बीज का? बीज का जैसे 220 रुपये किलो बीज, उसमें दवा या प्लस जो भी आता है, रबर प्लास्टिक, 220 में। 220 में जी। तो 25 बैग तैयार करने में कितना पैसा लगा आपको? 25 बैग करने में हो गया ना, बीज का 220 दुना 240 और 120 यानी 560 के लगभग। 540 केजी में आपका 25 बैग तैयार हो गया जी। 25 बैग कब लगाया था आपने इसको? ये 22 दिन में तैयार हो जाता है। 22 दिन में तैयार हो जाता है बीज, मतलब निकलना स्टार्ट हो जाता है। ओके, 3-4 दिन में जो है ये अपना तोड़ना भी स्टार्ट हो जाता है। तो कंप्लीट हमको लगता है 2 महीने में एक साइकिल निकल जाता होगा। हाँ, 2 महीने ना, 1 महीना में इसको खाने वाला हो जाता है। तो एक बैग में कितना निकल जाता है? लगभग 1.5 केजी निकलता है। और उसका रेट क्या मिल जाता है मिनिमम? लगभग मार्केट तो है 2.5, लेकिन हम लोग 1.5 में जो है इसका हिसाब रखे हुए, 150 रुपये जी। 150, यानी कि 25 बैग है, 25 देवर हैं, 37.5 किलो लगभग हुआ। जी जी, 37.5 होना ही होना है। और 37.5 किलो के का रेट अगर जोड़ें तो 150 के हिसाब से लगभग 5600 कुछ रुपया आ जाता है। और लागत खर्च 1700-1800 रुपया है। और इसको झोपड़ी में कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। थोड़ा अंधेरा रहना चाहिए, थोड़ा वातावरण ठंडा रहना चाहिए, कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। यहाँ बेड के नीचे भी बहुत लोग किए हुए हैं। तो आप दिखाइए हमें कि कैसे इसका माइसेलियम निकल रहा है। ये देखिए कि किस तरह से इसमें मशरूम निकल रहा है, बहुत अच्छे क्वालिटी का। और इसको लटका के इन्होंने रखा है। इस सब में तो 1.5 किलो से भी ज्यादा हो जाएगा, देखते हैं। सब में पॉइंट छोड़े हुए, पूरा माइसेलियम निकला हुआ है, सब में पॉइंट छोड़े हुए। सबसे फर्स्ट देखिएगा, ये होगा, ये और भी ठीक है, थोड़ा कम बेस इसमें भी देखिए पूरा। तो अब हम कहना चाहेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं और अच्छा भोजन करना चाहते हैं जो शरीर के लाभप्रद हो, उस कंडीशन में मशरूम का सब्जी, मशरूम का अचार, तरह तरह का चीज़ बनता है जो हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो हम किसानों से आग्रह करेंगे कि आप भी अपने घर में एक सबॉर्डिनेट खेती के तरह, जिसमें फ़ायदा भी है प्लस आपको अलग से एक आमदनी भी हो जाएगा और स्वास्थ्यप्रद भोजन के लिए आपको अपना मशरूम खाने को मिल जाएगा। इन्होंने जो बनाया है, देखिए एक झोपड़ी है, झोपड़ी में पूरा ये उन्होंने टाट लगाया है फूस का, और इसको कोशिश किया है कि प्राकृतिक वातावरण इसको प्रदान करें और इसमें खूब बढ़िया मशरूम हो रहा है। तो बिहार सरकार का कृषि विभाग से प्रशिक्षण इन्होंने लिया है आत्मा से, और आत्मा के प्रशिक्षण के बाद इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद रामपाल जी। आप अपना तो बढ़िया भोजन करेंगे ही, साथ में किसानों को जागरूकता भी इससे मिलेगी जी। और आप कृषि विभाग को कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। अभी तो फिलहाल सर क्या कहें, फ़ायदा है ना इससे? जी, एकदम फायदा है।